आज मुझे अपने लिए और ईशु के लिए ही लंच बनाना था, तो सोचा ऐसा क्या बनाए। अब पूरा दाल चावल सब्जी रोटी बनाने में आलस आ जाता है, तो ईशु ने बोला आज फ्राइड राइस बनाओ। अब मुझे लंच में फ्राइड राइस बनाना है, तो उसमें मैं सोया सॉस और विनेगर यूज़ नहीं करना चाहती, तो हम इंडियन ट्विस्ट के साथ ये फ्राइड राइस बना रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को चॉप कर लिए है, और अब मैंने समय बचाते हुए चॉपर से सारी सब्जियाँ चॉप कर ली हैं। तो मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, प्याज ले लिया है, खीरा ले लिया है, और आप देख रहे हैं मैंने टमाटर भी लिया है ना। वैसे तो मन कर रहा है एक या दो टमाटर डाल दो, लेकिन दिल पे पत्थर रखते हुए मैंने आधा डाल दिया है। वैसे आपके एरिया में कितने रेट का चल रहा है टमाटर? भाई मैं सब्जी लेने गई थी ना, 70 रुपये का 250 ग्राम टमाटर, कैन यू बिलीव इट? इंसान क्या ही खाएगा। मैंने ना थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, और लहसुन को बारीक चॉप करने के बजाय मैंने ना इसे पेस्ट जैसा बना लिया है, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं, हल्का दरदरा वाला इसका जो पेस्ट आप कह सकते हैं वो मैंने बना लिया है। चलिए अब हम बना लेते हैं हमने फ्राइड राइस। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है, आप ना बटर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और बस जैसा जैसा मैं डाल रही हूँ वैसा वैसा आप करते जाइए। आप बोलेंगे प्याज और गाजर को तो एक साथ चॉप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी फ्राइड राइस में सारी चीज़ें ना अधपकी ही होती हैं। तो बस सारी ही चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। अब बस थोड़ा सा मसाला वाला ट्विस्ट देने के लिए ना मैंने 1 मैगी मसाले का सैशे इसमें डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई करके ज़रूर देखना। और मैं यहाँ पर जो भी चीज़ बनाती हूँ ना वो कम स्पाइसी बनाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर में बच्चा है, लेकिन आप इसे अच्छा स्पाइसी बनाकर खाइए तो और मज़ा आएगा। बस उसके लिए कुछ नहीं करना है, 1 भर का चम्मच ना लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हरी मिर्च ज़रूर डालिए। अब बस यहाँ पर मैंने चावल को उबाल के रखे थे, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप बोलोगे इतने सारे चावल? भाई मैं अपने और ईशु के साथ साथ ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता, उसे भी फ्राइड राइस बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए भी बना रही हूँ। बस स्वाद अनुसार नमक डालिए, सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, और हमारा ये फ्राइड राइस बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने टमाटर कम डाला है, आप चाहें तो इसमें हल्का सा विनेगर डाल सकते हैं टमाटर के सब्स्टिट्यूट में, हल्का सा खटास लाने के लिए, या ऊपर से नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और सर्व कर दिया है इस प्यारी सी क्यूट सी स्टार प्लेट में, यम्मी।